नमस्कार, बिग फाइट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। राजस्थान क्रिकेट एकेडमी यानी RCA, जिसका वास्ता क्रिकेट से नहीं रहा, उससे कई ज्यादा नाता विवादों से रहा है। यहाँ सब कुछ होता है सिवाय क्रिकेट। यही वो जगह है जहाँ खेल में जमकर राजनीति होती है और फिर जमकर ही होता है राजनीति का खेल। अब जब सब कुछ सही होने लगा, CP जोशी अध्यक्ष बन गए, IPL की भी जयपुर में वापसी हो गई, BCCI का सस्पेंशन भी लगभग खत्म होने को है, RCA का ये खेमा फिर से सक्रिय हो गया और करने लगा षड्यंत्र। बीच कार्यकाल में चुनाव कराने के लिए, वर्तमान अध्यक्ष को हटाने के लिए, अपना रास्ता बनाने के लिए, क्रिकेट की सत्ता को पाने के लिए ये जंग इतनी परवान चढ़ी कि सत्ताधारी कुनबे में ही कलह घर कर गई। कांग्रेस के दो दिग्गज आमने सामने हो गए और शुरू हो गई वर्चस्व की जंग। राजनीति में हो रहा खेल, CP जोशी जोश में और नांदू खेमा फेल, क्रिकेट की पिच पर कुनबे में हो गई कलह, आग और पानी का कैसे होगा मेल? क्यों हो रही है CP जोशी को पद से हटाने की साजिश? कौन RCA अध्यक्ष की कुर्सी पर होना चाहता है काबिज? कैसे होगा राजस्थान क्रिकेट का भला और कैसे आएंगे RCA के अच्छे दिन? कैसे सुधरेंगे हालात? दिग्गजों में कैसे बनेगी बात? कब और कैसे हटेगा RCA का बैन? और सबसे बड़ा सवाल, राजस्थान क्रिकेट में कैसे थमेगा बवाल? बिग फाइट में बहस आज इसी अहम मुद्दे पर। हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान। हमारे साथ हैं RCA उपाध्यक्ष मोहम्मद इकबाल जी, क्रिकेट विशेषज्ञ प्रभात गोस्वामी जी हमारे साथ हैं, पूर्व रणजी खिलाड़ी रोहित जालाड़ी हमारे साथ हैं, साथ ही BJP नेता पंकज जोशी और संवाददाता नरेश शर्मा भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। नरेश जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। RCA को क्यों बनाया गया, शायद ये सभी भूल चुके हैं। अहमियत ये है, अभी अगर प्राथमिकता देनी चाहिए तो BCCI का बैन हटे, इसे लेकर सबको एकजुट होकर काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ RCA में फिर राजनीति हो रही है जिसके अभी तो कम से कम कोई मायने नजर नहीं आते। बिल्कुल, देखिए श्वेता, क्रिकेट एसोसिएशन जिस चीज़ के लिए बनी है और जो पदाधिकारी जिस चीज़ को लेकर आने का दावा करते हैं, शायद वो अपने लक्ष्य से भटकते जा रहे हैं। उनका काम होता है क्रिकेट का संचालन करना, क्रिकेटरों के लिए अच्छी सुविधाएं देना, उनके विकास के लिए काम करना, लेकिन उल्टा हो रहा है। यहाँ पे अभी खुद जितने भी जो लोग जुड़े हुए अधिकांश, वो अपने हित के लिए काम कर रहे हैं। क्रिकेट का जो हित है, क्रिकेटरों का हित है, वो गौण हो गया है। और यही कारण है कि हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले 5 साल से तो RCA सस्पेंड है और विवाद उससे भी लंबे समय से चल रहा है। हर कोई पावर और पैसे का ये जो गेम है उस पे काबिज होना चाहता है। तरीके अलग अलग है, तरीके अलग अलग अपनाते हैं, लेकिन बड़ी चीज़ ये कि जिस काम के लिए वो बनते हैं, जिस उद्देश्य के लिए वो आते हैं, जो दावा वो करते हैं, जो ही वो पदाधिकारी बनते हैं या बनने का कोशिश करते हैं, और जैसे ही पावर में आते हैं, सत्ता में आते हैं, क्रिकेट दूर होती जाती है और पावर और पैसे का गेम वो शुरू हो जाता है। बिल्कुल मोहम्मद इकबाल जी, RCA उपाध्यक्ष है सर, आप पिछले 3 साल में अब तक बैन नहीं हटा पाया गया, BCCI से जो कोशिशें आप लोग कर रहे थे अब तक सफलता नहीं मिली, लेकिन इस बीच यहाँ अलग ही नांदू खेमा खड़ा होता है, आपसी राजनीति होने लगती है। ये क्या आप लोग समझ रहे हैं कि जो हमारा भविष्य है क्रिकेट का, जो युवा है जो सीखना चाहते हैं, जिनको मदद मिलती है RCA से, जो प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए कितना ज्यादा बड़ा नुकसान है भविष्य अंधेरे में अगर राजनीति ऐसे ही होती रही? श्वेता जी, बिल्कुल ठीक है कि बच्चों का नुकसान हो रहा, लेकिन पिछले 3 साल में, बल्कि पिछले 6 साल पहले जब अपन जाएं तो यहाँ राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन बैन लगा था कि ललित मोदी जब यहाँ अध्यक्ष बने थे, ललित मोदी के अध्यक्ष बनने से एक ऐसा गुट है जो पिछले 5 साल भी वो सक्रिय रहा और अभी फिर वापस हो गया, वो कभी नहीं चाहता कि राजस्थान में क्रिकेट अपने सही रास्ते पर आए। वो अब जैसे ही हमारा सस्पेंशन हटने वाला था, उसके बीच में उन्होंने फिर झगड़े चालू कर दिए। ये नांदू और नांदू के साथ के कुछ लोग हैं जो ये चीज को, मोदी गुट जो आज बना हुआ है, वो मोदी गुट अभी तक इस राजस्थान क्रिकेट का सत्यानाश करने में लगा हुआ है। ठीक है सर, आपसे ही जानना चाहेंगे जोशी जी, अब ये गुटबाजी जो हो रही है बहुत लंबे वक्त से, 5 साल से, अब देखिए इसमें किसकी सरकार किसकी नहीं, इससे अलग ही तरह अगर हम बात करें तो अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। नुकसान हो रहा है तो खिलाड़ियों का हो रहा है, राजनीति अलग हो रही है, और बड़ी बात देखने को ये मिलती है कि दो कांग्रेस के नेता आमने सामने नजर आते हैं, उनके सपोर्ट करते हुए BJP के नेता नजर आते हैं, फिर चाहे पिंकेश पोरवाल की बात करें, अमीन पठान की बात करें, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डूडी की और CP जोशी की। ये क्या RCA में हो क्या रहा है? क्या कोई नहीं चाहता कि बैन हटे फिर से अच्छे से RCA चल सके?
देखिए श्वेता जी, मैं कह रहा हूँ कि नरेश जी ने बहुत साफ सा बता दिया कि ये जो खेल है बेसिकली क्रिकेट का खेल ना होकर के जो है पैसे और पावर का खेल बिल्कुल चल रहा सही है। और जब बेसिकली इसके अंदर ऐसे व्यक्ति जो है अध्यक्ष हों जिनको की जो है विधानसभा पूरी विधानसभा पूरे कानून बनाने का काम हो, उसके बाद भी उन कानूनों की अवहेलना करने का यदि काम कोई करने लग जाए तो आप खुद बताइए कि जब बाढ़ खेत को खाने लग जाए तो कौन बचाने वाला है। आज सबसे बड़ी चीज ये थी कि पिंकेश पोरवाल को आप इन्होंने कहा जो है एक ग्रुप हावी है, पिंकेश पोरवाल को बाहर किसने निकाला और फिर जो है माननीय हाई कोर्ट ने जो है उनको फिर आपको जो है वापस जो है उनको बिठाया आपने। और वो जो काम जिसमें 2.25 करोड़ रुपए का काम था जिसमें 4 करोड़ रुपए आपने पास किए, बिल्कुल नरेश जी ने सही कहा कि ये सारा का सारा जो काम है ये सब घोटालों और घपलों का काम है जिनको छुपाना चाहते हैं और इसी कारण से लगातार जो है वहां पर लड़ाई और ये चीज देखने को मिलती है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमने जो है उनको जो है सेक्रेटरी माना ही नहीं नांदू जी को, ये क्योंकि जो कि क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और राजनीतिक लोग ये कहते हैं कि साहब वो क्रिकेट के सेक्रेटरी नहीं है और खुद सरकार के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं जो रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव हैं उन्होंने कल जो पत्र लिखा उसमें 2 जगह डिफाइन किया कि सेक्रेटरी द्वारा किए गए चुनाव जो है चुनाव की घोषणा नहीं की जा सकती, उन्होंने भी सेक्रेटरी उसको माना वहां पर। और उसके बाद जो है विधानसभा के अध्यक्ष होते वो मानने को तैयार नहीं है। अब आप स्वयं देखिए कि सरकार बड़ी सरकार के डिपार्टमेंट बड़े या विधानसभा के अध्यक्ष बड़े या आरसीए के अध्यक्ष बड़े, आपको गलत कौन लग रहा है? गलत नहीं, देखिए आप इतने बड़ी पोस्ट पर बैठने के बाद क्या आप एक इतने से छोटे से डिपार्टमेंट का निर्णय दे सकते हैं जिसके अंदर राजस्थान की पूरी विधानसभा का निर्णय आप लेने की आपकी ताकत है? और आप जो है एक आरसी का निर्णय लेने में ये नहीं कह सकते कि सरकार में क्या अध्यक्ष दीपी जोशी की बात कर रहे हैं कि वो इस पर निर्णय मैं यही कर रहा हूँ ना, आपने जो कहा कि वो सेक्रेटरी मानने को तैयार नहीं है, आपके रजिस्ट्रार ने कल लिखा दिनेश के पवन ने कल लिखा कि वो जो है इसको नहीं बना सकते। दूसरी बात इन्होंने कहा कि नागौर के जो है जिला को हमने भंग कर दिया जबकि उनमें से लिखा हुआ है कि जिले को भंग करने के लिए एजीएम की आवश्यकता है। मतलब आप कर क्या रहे हैं साहब, इसमें है क्या चीज़? ठीक है, यानी कोई डिसीजन इसमें लेने है। क्रिकेट विशेषज्ञ प्रभात गोस्वामी जी भी हमारे साथ हैं। प्रभात जी, अब जरा आप समझाइए सर, एक तरफ खिलाड़ियों का भविष्य, एसएमएस स्टेडियम जिसको पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया जाता है, खिलाड़ियों को वापस भेज दिया जाता है, पूरे दिन वहां पर चर्चा होती रहती है, मीटिंग होती रहती है, ये क्या हो रहा है? क्या आरसी में आप क्या मान रहे हैं कि कौन यहां पर गलत है? क्यों इस तरह से चुनाव को लेकर अपने पावर को लेकर यहां पर लड़ाई होती जा रही है? क्या ये ज्यादा जरूरी है आरसीए में? देखिए, जो कुछ भी अभी हो रहा है वो पिछले 5 साल से जो बैन लगा हमारे ऊपर, एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यहाँ पर बन रही है क्रिकेट में। जिस तरह से राजस्थान का क्रिकेट अब वापस एक तरह से रिवाइव कर रहा था, रणजी ट्रॉफी में हम जिस तरह से वापस जीत के आए थे, तो ऐसी एक उम्मीद बनी थी कि राजस्थान में अब बेहतर क्रिकेट होगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जब हम जिस कंट्रोल बोर्ड या बीसीसीआई हो या आरसीए हो, उसका उद्देश्य जैसा कि नरेश जी ने बताया है कि उनका उद्देश्य है कि हम खेल को आगे बढ़ाएं, लेकिन उसमें हो क्या रहा है कि हम खिलाड़ियों के भविष्य को ताक पे रख के अपने भविष्य की तरफ देख रहे हैं, तो यह ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं ये मानता हूं कि किसी भी देश में, हमारे देश में तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बहुत मजबूत हैं और जहां भी एक संविधान बना हुआ होता है, अगर उस संविधान के तहत जो कुछ भी होता है तो वो सही है, अगर उस संविधान से बाहर कोई जाने का प्रयास कर रहा है तो वो निश्चित रूप से ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में अब एक मौका आ गया है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इंतज़ार हमारे खिलाड़ी कर रहे हैं और ख़ासतौर से जिस तरह का नुकसान निचले स्तर से लेके ज़िला स्तर पर अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से डूंगरपुर शील्ड, कॉलमेन शील्ड जैसे टूर्नामेंट होते थे जो हमारे आने वाले कल के खिलाड़ी तैयार करते थे, आज वो टूर्नामेंट बंद पड़े हैं, कैंप नहीं लगते, तो उसमें खिलाड़ियों को तराशा जाता था जिसकी एक कमी हो गई है। तो इन सब परिस्थितियों को देखे, क्योंकि अब इंतहा हो गई है इंतज़ार की। और ये भी कहा है कि उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतज़ार में। हमारे खिलाड़ी बड़े परेशान हैं बेचारे कि अपना भविष्य कहाँ देखें। तो ऐसी परिस्थिति में मैं तो एक ही आग्रह करना चाहूँगा कि आज जो परिस्थितियाँ हैं उसमें अपने व्यक्तिगत हित को अगर हम एक तरफ रखकर क्रिकेट हित की बात करें और बीसीसीआई से किस तरह प्रतिबंध हम हटवा सकें, इसकी तरफ अगर हम पुरजोर तरीके से एक संयुक्त प्रयास करें, सब पक्ष मिलके अपना काम करें और ये देखें कि हमें राजस्थान की क्रिकेट की बहबूद के लिए, हमें राजस्थान के क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए चुना गया था, तो हमारा पहला दायित्व ये है कि हम उसको आगे ले जाएं। और मुझे उम्मीद है कि अभी डॉक्टर सीपी जोशी जी जो अध्यक्ष हैं आरसीए के, उन्होंने ये कहा है, एक उम्मीद जगाई है कि आने वाले कुछ दिनों में एक अच्छी खबर बीसीसीआई की तरफ से मिलने वाली है। अगर ये बात सही है तो बहुत
खुशी की बात है जी, लेकिन ठीक है ये आश्वासन मिला है और ये हो जाए तो अच्छा है, लेकिन जो बात आपने दूसरी कही कि सब एक साथ होकर ये करें ये नजर नहीं आता है। पिछले 5-6 सालों से हम देख ही रहे हैं और अपना हित ही यहाँ पर सर्वोपरि हो रखा है और इसलिए ये सब कुछ देखने को मिल रहा है और इसलिए आरसीए का दूसरा नाम विवाद ही रखा गया है क्योंकि विवादों में ये हमेशा घिरा रहता है। रोहित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित आपको क्या लगता है खिलाड़ियों के भविष्य की किसी को भी चिंता है, किसी को भी, जितने भी पदाधिकारी? बिल्कुल श्वेता, मैं आपसे सहमत हूँ कि इस गुट और इस गुट, मैं दोनों गुट की बात नहीं कर रहा, दोनों गुटों को क्रिकेटर की चिंता नहीं है, ये कंफर्म है। प्रभास जी ने पहली बार मैंने किसी सुना कि कोई क्रिकेटर की चिंता कर रहा है, तो मैं धन्यवाद दूंगा प्रभास जी का, कम से कम क्रिकेटर की जो तकलीफ हो रही है उनकी उन्होंने बात करी। बाकी मैं क्रिकेट की थोड़ी बात पुरानी करूंगा, रूंटा सर के टाइम पे जब रूंटा सर यहाँ पर हमारे चेयरमैन हुआ करते थे, इतनी तरीके से क्रिकेट होती थी कि हमारा मई से हमारा क्या सीजन होने वाला है और कैसे क्रिकेट चलने वाली है, पूरा एक अच्छा सा सर्किट था और इंडिया के टॉप बोलते ना कि डोमेस्टिक सर्किट जो होता है वो राजस्थान में फॉलो होता था। अभी मतलब पिछले 6 साल में हजारों बच्चे एक क्रिकेट का सपना लेके आए और बिना कोई एक मौका मिले या बिना कोई प्लेटफॉर्म मिले वो अपना ये क्रिकेट छोड़ के अपने काम में लग गए। मतलब क्रिकेटर्स की परवाह कहीं किसी को नहीं है, चाहे ये ग्रुप हो चाहे वो ग्रुप हो, मैं यही बोलूंगा कि कोई ना कोई ऐसा समाधान निकालिए, कोई ऐसी, या तो मैं कह रहा हूँ इन्हें लड़ने दीजिए, एक कमेटी बनाइए जो क्रिकेट की बात करे, फॉर्मर क्रिकेटर्स को इन्वॉल्व कीजिए, क्रिकेट चलाने जमा होने दे दीजिए जब तक ये मामला सुलझ रहा है, क्रिकेट तो हो कम से कम। और वर्स्ट पार्ट हो रहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हो रही है, बिल्कुल, और कई ऐसे मुद्दे हैं यदि हम उठाएं पिछले 6 साल में तो शायद हमें लगेगा कि हम लोग मतलब लाखों साल पीछे पहुंच गए, पीछे चले गए हैं, बिल्कुल। और ये भविष्य, क्योंकि वक्त ही है, खिलाड़ियों के साथ भी ये होता है कि एक एक मिनट, एक एक दिन बहुत कीमती होता है और वो अगर दूसरे की वजह से बर्बाद हो जाए तो फिर वो वक्त तो निकल गया, उनके साल भी बर्बाद होगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि कितने लोग, कितने खिलाड़ी ऐसे होंगे जो सपना लेकर तो आए थे लेकिन 5-6 सालों में जो कुछ देखा या मौका नहीं मिल पाया, वापस किसी दूसरी राह पकड़ ली और आगे बढ़ गए। लेकिन सवाल वही उठता है कि आखिर खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खेलने का हक इन्हें किसने दिया है? नरेश जी, अब ठीक है, राजनीति में आजकल देखने को मिलता है अलग अलग खेल होते हैं और खेल में देखने को मिल रहा है कि अलग अलग तरह से राजनीति की जाती है। इस बार ये मामला इसलिए भी हो जाता है क्योंकि दोनों ही एक पार्टी से, रामेश्वर डूडी और सीपी जोशी आमने सामने हो गए हैं। रामेश्वर डूडी यहाँ पर बिना सीपी जोशी का नाम लिए कहते हैं कि एक व्यक्ति के अनुसार आरसीए नहीं चल सकता है। समझ में ये नहीं आ रहा है, सवाल इसलिए बार बार उठ रहा है कि अगर आपस में ही सब इस तरह से लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे और मामले को खींचते रहेंगे तो फिर हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि कभी भी विवाद आरसीए का सुलझेगा? देखिए सीता, मैं आपको 3 बिंदु बताता हूँ जिसको देख के आपको लगेगा कि क्रिकेट की बात कहीं नहीं हो रही है। जोशी जी ने अभी आरोप लगाया कि क्या आरसीए में क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। अब विडंबना ये देखिए, 2 कांग्रेस के नेता आमने सामने हैं, सीपी जोशी और रामेश्वर डूडी, लेकिन इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? 2 भाजपा के नेता, एक तरफ पिंकेश पोरवाल है, दूसरी तरफ अगर पंकज जोशी सवाल उठाते हैं कि सीपी जोशी ने गलत किया तो उनका समर्थन कौन कर रहा है? इन्हीं के पार्टी के अमीन पठान। यानी 2 भाजपा नेता 2 कांग्रेस नेताओं को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं पूरी तरह से क्रिकेट में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, पावर गेम है। दूसरी बात देखिए आप कि अचानक कोई भी जो नेता है उसको क्रिकेट की इतनी मतलब वो जरूरत पड़ जाती है कि सब कुछ ताक पे रख के और वो क्रिकेट में आना चाहता है। रामेश्वर डूडी अचानक प्रकट हुए, ऐसे क्रिकेट में ऐसा क्या है? यानी कुछ न कुछ जरूर है, एक टारगेट जरूर है जिसके कारण से आना चाहा है, ये आ रहे हैं, हो सकता है भविष्य में कोई और भी आए, लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि आखिर ऐसा क्या है इस क्रिकेट में। तीसरी बड़ी बात, 33 लोग हैं, 33 जिला संघ है, 33 लोगों के लिए बाकी 33 खेल है वो खराब हो रहे हैं। सवाई मानसिंह स्टेडियम की बात करें, एक जो एकेडमी जिसको होटल के रूप में उसको बनाया गया है, उसमें 33 जिला संघ रहते हैं, अपनी बात करते हैं, विवाद करते हैं, चुनाव करते हैं और उसके कारण से पूरा स्टेडियम छावनी बन जाता है। उसमें 33 बाकी जो खेल है उनके मैदान है, उनके खिलाड़ियों को रोक दिया जाता है। तो ऐसा प्रबंध क्यों नहीं किया जाता कि जो 33 झगड़ा करने वाले उनको तो बाहर भेजना चाहिए और जो खिलाड़ी है वो अंदर रहने चाहिए। वो हुआ नहीं कर। लेकिन हो उल्टा रहा है कि जो विवाद कर रहे हैं उनको तो संरक्षण दिया जा रहा है, वो आराम से बैठे हैं और खिलाड़ी और परिजन परेशान है, बाकी जो खेलों के मैदान है उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा, उनको बंद कर दिया जाता है। ठीक है, मोहम्मद इकबाल जी इसी पर जवाब दे दीजिए, कल जो कुछ हुआ पूरी तरह से छापनी में ऐसा कुछ बन चुका था। हमारे अंडर 16 की ट्रायल चल रही थी, 1500 लड़के अंदर थे, दिन भर ट्रायल चली है, किसी को डिस्टर्ब नहीं किया गया। ये जरूर था कि वहाँ पे फालतू लोगों को नहीं आने दिया गया। फालतू लोगों को, नरेश जी आप भी वहाँ पर थे, देखा हुआ, इसलिए मालूम है इस साल
राजस्थान के ये तीन इनका लड़के बयान देना वाजिब है, इनका बयान देना बनता भी है क्योंकि ये आराम से एकेडमी के अंदर थे, ये एकेडमी के रेस्टोरेंट में थे, लेकिन वो खिलाड़ी थे, वो खिलाड़ी परेशान थे, बाहर थे, मैं खुद बाहर था, मुझे बाहर गेट पर पुलिसकर्मी किस तरह से दादागिरी कर रहे थे, किस तरह से खिलाड़ियों को बाहर कर रहे थे, परिजनों को हटा रहे थे, पुलिसकर्मियों की दादागिरी नजर आई थी, कल की तस्वीरें आप दिखा सकते हैं। ये जितने भी पदाधिकारी है चाहे किसी गुट के हो, ये आराम से एकेडमी में थे, चाय पानी पी रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, खिलाड़ी परेशान हो रहे थे, परिजनों को रोका गया था, उनसे बदतमीजी की गई थी, किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया, यहाँ तक मीडिया का मुझे रोका गया, मुझे नहीं जाने दिया गया। बाद में जब पुलिस अधिकारी से हमने कहा और जब उनको लगा कि इनकी जो पोल खुल रही है, खिलाड़ी से कैसे परेशान हो रहा, बड़ी चीज आपको एक और बताऊं, हैंडबॉल का इंटरनेशनल टूर्नामेंट चल रहा है, आज खत्म हुआ है, 10 देशों की टीमें, उनको रोका गया। क्यों रोका गया? क्योंकि 33 लोगों की सुरक्षा करनी है, वो विवाद कर रहे, झगड़ा कर रहे, उनको संरक्षण देना है, और चूंकि सब पावरफुल है इसलिए आराम से वहां बैठे एकेडमी के अंदर, और जो खिलाड़ी है बाकी जो खेलने हैं उनको परेशान है। क्यों ऐसा क्यों हो, ऐसा क्या है क्रिकेट में, क्यों आना चाहते हैं क्रिकेट? नांदू अपने 100-125 लोगों को लेके वहां पे वो जबरदस्ती घुसने का प्रयास कर, इसलिए पुलिस को बुलाया गया था, ठीक है, और कोई वो नहीं था, और पुलिस को स्पेशली कहा गया था कि बच्चे ट्रायल दे रहे हैं, किसी बच्चे को परेशान नहीं करें, पुलिस को किसने कहा कि खिलाड़ियों को रोका जाए, उनके परिजनों को रोका जाए, उनको गेट से भगाया जाए? हुआ है सर, शाम तक ट्रायल चली हुआ है सर, आप तो अंदर थे, आपको कैसे पता? मैं वहीं था, श्वेता तस्वीरें आपने देखी हैं, बिल्कुल मैंने देखी, इसलिए कह रही हूं कि कल हमने देखा है, हमने दिखाया भी, दर्शकों तक भी पहुंचाई वो तस्वीर की, क्या कुछ हो रहा है, क्या दादागिरी गेट पर चल रही है। और एक बात बताऊं, रोहित जालानी इनका क्रिकेट सीपी जोशी पिछली वो कार्यकाल को उठा के देखिए, सीपी जोशी को राजस्थान 2 बार चैंपियन बनी है, जो 50 साल में कभी नहीं बनी, सीपी जोशी के लिए जो कह रहे हैं, अभी जोशी जी कह रहे हैं कि 2.5 करोड़ का ठेका, ये नांदू जी के दिए हुए ठेके थे, उनको जो जब सेक्रेटरी थे उन्हीं के दिए हुए, भुगतान कब हुआ, भुगतान आप नहीं, नहीं ठेके किसने दिए, अरे मैं कह रहा हूं भुगतान कब हुआ भाई, पता ही नहीं है, सभा के नेता की बात चल रही है, अरे भाई जब पेपर में छापा हमें क्या पता भाई, मेरे को आप नेता भाई, हम तो हमने जो पेपर में पढ़ा वो बताया आपको, कि पेपर में छपा उसका आपने विरोध नहीं किया, पहली बात, नहीं 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 आपको बता दूं, सुनिए बात में, अभी आपको बताता हूं, आपके जूनियर ना सीपी जोशी जब दोबारा बने, आज तक आरसी के खाते में जो ठेके दिए ठेकेदार को सीधा पेमेंट मिला, किसी का इसमें राजस्थान का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पदाधिकारियों का, नांदू के कार्यकाल में, पिंकेश के कार्य, वो दोनों बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, आप तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, आप तो हाई कोर्ट को भी नहीं मानते, जब वो बेल नहीं देते हैं, जब आपको पकड़ के ले जाते हैं, तब आप उसकी मूर्ति लगा के, वो इंग्लैंड बैठा मूर्ति लगा के, और उसका 5 साल तो पहले वो खराब कर दिए इन्होंने। सीपी जोशी को हम रिक्वेस्ट करके लाए साहब, इस क्रिकेट को बचाओ, ये बर्बाद हो जाएगी, सीपी जोशी आना नहीं चाहते थे, फिर भी हम लेके आए, और इन 33 जिलों ने बीजेपी के, यानी आप कह रहे हैं कि जो इतने पिछले 50 साल में वो सीपी जोशी के कार्यकाल में वो आपने किया है, रोहित झलाड़ी अभी उन्हीं पर सवाल आप उठा रहे हैं, चलिए वो भी तो पूर्व रणजी खिलाड़ी है ना, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे खिलाड़ियों को लेकर किया क्या गया, ठीक है रोहित। मैम तीन लड़के जो इंडिया खेले हैं वो अभी 6 साल में नहीं पैदा हुए हैं, दीपक चाहर ने 2010 में अपना परफॉर्म शुरू किया था, खलील 2009 से अंडर 16 अंडर 19 खेल रहे हैं, कौन था अध्यक्ष जब, भाई साहब अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सीपी जोशी भाई साहब उन्होंने प्लेयर नहीं बनाया, प्लेयर अपने दम पे बनता है, अपने परफॉर्म पे आता है, बात करने ये प्लेयर अपने दम से आ रहे हैं, ठीक है चलिए, आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए, 1 मिनट, ये प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करके हैं, आईपीएल के प्लेटफॉर्म पे, डोमेस्टिक में कहीं सपोर्ट नहीं मिला, यदि सपोर्ट मिलता तो जब राजस्थान 2 बार चैंपियन बनी है, 6 प्लेयर इंडिया खेलने चाहिए थे, विनी सक्सेना फाइनल में 250 रन, किसी ने पूछा नहीं उसके लिए, किसी ने सपोर्ट नहीं किया है, रॉबिन बिस्ट पूरे सीजन में 1000 रन, किसी ने नहीं पूछा उसके लिए, एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग होती तो लड़के 6 इंडिया खेलते, ये 3 इंडिया खेल रहे हैं आईपीएल के प्लेटफॉर्म पे, वैसा एक मिनट सच्चाई बोलने दीजिए, आईपीएल के प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हैं, दीपक चाहर राजस्थान टीम से बाहर हो गया था, ऋषिकेश कनेटकर जो कैप्टन था उस समय वो उन्हें पूना गुर्जर में लिखे गया है, वहां धोनी को पसंद आया, आईपीएल के प्लेटफॉर्म पे वो इंडिया खेला है, खलील अंडर 19 और आईपीएल के प्लेटफॉर्म पे इंडिया खेला है, राहुल चाहर आईपीएल के प्लेटफॉर्म पे इंडिया खेला है, डोमेस्टिक 2010-11 में खेले हैं, 2010-11 में चैंपियन में चैंपियन टीम का पार्ट मैं हिस्सा था जी, उस समय कोई बैन नहीं था, क्रिकेट चल रही थी, उसके बाद जो 6 साल में उसमें गड़बड़ हुई है, और डोमेस्टिक अभी भी नहीं हो रही है, ये अभी नहीं मालूम चलेगा, आने वाले सालों में जब यंगस्टर्स नहीं मिलेंगे तब मालूम चलेगा, और राजस्थान इतना टैलेंटेड है कि हम लोग वही कल्चर चलता तो 2 बार नहीं हम लोग 6 बार चैंपियन बनते, लास्ट ईयर हम लोग बिना किसी सपोर्ट के हम लोग 6 बार बनते, बिल्कुल कोई परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, अगर ये सब नहीं होता तो सपोर्ट नहीं है, इतनी राजनीति नहीं होती इस खेल में, कोई डोमेस्टिक नहीं हो रही है, कोई वो नहीं हो रहा है, क्यों बंद हुआ, क्यों बैन लगा, ऐसा मैं किसी को पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन देखिए आपने 2010 की बात की, ठीक है उस समय भी सीपी जोशी अभी आप कह रहे हैं कि जब थे, ठीक है अभी भी कुछ खिलाड़ियों को लेकर किया नहीं जा रहा, लेकिन अगर कोई खिलाड़ी अपनी मेहनत से निकल जाएगा तो आप क्रेडिट लेंगे कि हाँ उस साल का था और उस वक्त सीपी जोशी थे यहाँ पर, बात ये नहीं है, बात देखिए बात क्रेडिट वाली नहीं, बात तो हम ये कह रहे हैं कि देखिए सर राजनीति इस तरफ हो रही है, किस तरह से इसको शांत कीजिए, क्यों ना आप सब एक साथ होकर पहले बैन हटा दीजिए बीसीसीआई से, कुछ खिलाड़ियों का यहाँ पर भला हो जाए, लेकिन अब
वो बराबर सीपी साहब ने कहा बहुत जल्दी अच्छी खबर आएगी, लेकिन वो जैसे इनको पता चला मोदी गुट को वापस आके इन बोलोगे ड्यूटी जी को जाके लिया है, तो ये चाहते ही नहीं है राजस्थान में क्रिकेट हो। ठीक है, आप ये कह रहे कि ये नहीं चाहते, लेकिन नरेश जी रजिस्ट्रार नीरज के पवन कहते हैं कि ये जो चुनाव भी कराया गया वो भी अवैध है, वैध नहीं है, अचानक चुनाव करा जाता है, अध्यक्ष बना दिया जाता है, इसके बाद रास्ते खुल जाते हैं कि आरसी में एंट्री करनी है और इसके बाद चुनाव की बात और तैयारियां चलने लगती हैं, ये क्या हो रहा है, इसको कैसे समझेगा कोई भी आम इंसान कि ये राजनीति की कहीं तो कोई एंड होगा, इतने सालों से चलती आ रही है और आगे के 5 साल भी ऐसे ही चलती रह जाएगी। श्वेता, ये आरसीए का इतिहास रहा है कि यहाँ पे जब भी बड़े लोगों की एंट्री होती है अचानक होती है, और कैसे होती है ये पूरा एक अलग से एक सिस्टम चलता है, और जो आपने जो ताज़ा उदाहरण दिया है उसमें भी एंट्री ऐसे ही हुई है अचानक, जो आदमी कुछ दिनों पहले किसी क्लब का मेंबर नहीं था, उनको क्रिकेट में कभी देखा नहीं, जानते भी हैं, आरसी एकेडमी में हमने कभी देखा नहीं उनको, वो अचानक आके दावा करते हैं कि कुछ का पदाधिकारी और भविष्य की रणनीति तैयार करते हैं। जहाँ तक इन आरसीए की अभी जो चुनाव की बात चल रही है, विवाद की बात चल रही है, तो देखिए रजिस्ट्रार नीरज पवन जो कि रजिस्ट्रार जो सहकारिता विभाग होता है वही उसके अंतर्गत पूरा स्पोर्ट्स एक्ट के नियम कायदे चलते हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कार्यकारिणी ने आरसीए ने कोई फैसला नहीं लिया है, ऐसे में जो भी कोई चुनाव कराने का दावा कर रहा है वो बिल्कुल गलत है, यानी कहीं न कहीं ये जो चुनाव कराने के दावे किए जा रहे हैं उन पर सवाल उठता है। लेकिन बड़ी चीज़ ये भी है कि कोई चुनाव कराए कोई दावे करे उनसे अभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जब तक बीसीसीआई का प्रतिबंध नहीं हटेगा तब तक आरसी का कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए इनको सभी को अपने हितों को छोड़ के आरसीए का प्रतिबंध कैसे हटे, क्योंकि प्रतिबंध हटे बिना कुछ नहीं होने वाला। जिन जो पावर और पैसे की बात करें, पैसा भी तभी आएगा जब प्रतिबंध हटेगा, तो जब तक प्रतिबंध नहीं हटेगा तब तक बेकार की है, व्यर्थ है, कुछ होने वाला नहीं, किसी को कुछ मिलने वाला नहीं, नुकसान क्रिकेट का यहाँ होना है, क्योंकि वक्त यहाँ पर खत्म हो रहा है सर। एक एक लास्ट कमेंट आप सभी से चाहेंगे, मोहम्मद इकबाल जी आपसे शुरुआत करते हैं, एक लाइन का एक कमेंट, इस पूरे खेल में जो राजनीति हो रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है क्या भविष्य खिलाड़ियों का? देखो सीपी साहब ने कहा कि जल्दी अच्छी खबर आएगी और हमारा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन जो बैन लग रहा है वो हटेगा और बहुत जल्दी इलेक्शन भी होंगे और सब होगा, लेकिन जिस तरीके से ये लोग लगे हुए रुकवाने के लिए, हम इनको भी अपील करेंगे कि जिस तरीके से नांदू और पार्टी मोदी गुट अभी भी सक्रिय, यानी आप कह रहे हैं कि बैन हटने में जितनी सफलता मिल रही है इसके बाद अब ये सब चीज जानबूझ के की जा रही है। हाँ, कि इस तरह से हो नहीं कर रहे हैं। प्रभात गोस्वामी जी, जी मैं भी अब यही निवेदन करना चाहूंगा कि राजनीति के पिच पर बहुत क्रिकेट हो चुकी, कृपया अब क्रिकेट को क्रिकेट के पिच पर भी खेलने के मौका दिया जाए और राजस्थान के क्रिकेट को ऊपर ले जाना है, हम सबको मिलके ले जाना है, और ये जब ही संभव होगा कि जब हम अपने व्यक्तिगत हितों को एक तरफ रखकर क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट खिलाड़ियों के भविष्य के बारे में अगर हम सोचेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान का क्रिकेट वापस अपने गौरवशाली दिनों के तरफ लौटेगा। अगर सर साइड में ही रखना होता तो शायद रामेश्वर डूडी यहाँ पे एंट्री भी नहीं करते। हाँ रोहित, आपसे भी प्रतिक्रिया चाहिए। देखिए, अनुरोध है कि क्रिकेट खेलने दीजिए, क्रिकेट से मत खेलिए, लेट द बॉयज प्ले द क्रिकेट, और बहुत पोटेंशियल है, यदि हम लोग सबने सपोर्ट किया तो राजस्थान बहुत कुछ कर सकता है। पंकज जोशी जी, देखिए मैं तो ये कहूँगा क्रिकेट में जो है राजनीतिक जो पद है और राजनीतिक जो प्रभाव है उसका दुरुपयोग न करके बल्कि खिलाड़ियों के लिए जो है उसका प्रभाव का यूज करें और प्रभाव में यूज करके खिलाड़ी यहाँ से निकले और राजस्थान का नाम हो। चलिए वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया सर आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये बात सही है कि क्रिकेट से मत खेलिए, बच्चों को क्रिकेट खेलने दीजिए, ये हमारा भविष्य है, ये नाम आगे चलकर रोशन करेंगे, लेकिन ये तब होगा जब आरसीए से राजनीति को अलग किया जाए, अपने हित को बाहर कर हित इस बात को लेकर सोचा जाए कि बच्चों का क्या हित है, खिलाड़ियों का क्या हित है, और किस तरह से बीसीसीआई से बैन हटाया जाए, आरसीए से जब बैन हटेगा तो बहुत कुछ है करने के लिए और बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि पोटेंशियल बहुत है हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन मौका नहीं मिल रहा है। सवाल यह भी उठता है कि ठीक है सीपी जोशी अध्यक्ष है, कोशिश यहां पर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रामेश्वर डूडी की एंट्री कैसे हो जाती है, एंट्री होने के बाद भी वो साथ होने की बात करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि उनके अकेले के चाहने से यानी सीपी जोशी के चाहने से ही यहां पर कुछ नहीं होने वाला है। तो जब एकजुट होंगे नहीं, सब साथ होंगे नहीं, तो बहुत मुश्किल है कि इसमें ये राजनीति ना हो, लड़ाई ना हो और आरसी का कुछ हो सके। हालांकि उम्मीद कर सकते हैं कि शायद अब कुछ किया जाए, ये लड़ाई खत्म की जाए, राजनीति को अलग की जाए, लेकिन सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है आरसीए का, क्या वाकई में विवादों में रहता है या इससे निकल पाता है। इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।